ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने लालू जी का शासन नहीं देखा, कि नीतीश का नहीं देखा, कि मोदी का नहीं देखा। भाई 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री तो है ही, उससे बिहार में बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, उससे कोई बिहार से पलायन रुका नहीं। उससे पहले जब केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तब भी बिहार की दशा यही थी। नमस्कार, रबकी लाइव में आपका स्वागत है। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले भाजपा, राजद और जदयू के नेताओं के बयान सामने आया, जिसमें तीनों ही दलों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर श्रेय लेते दिख रहे हैं। इस कड़ी में अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि चुनाव के 1-2 माह पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न इसलिए दिया गया है ताकि 5 साल की समस्याओं को भुलाकर लोग दोबारा गलती कर बैठे। देखिए इस रिपोर्ट में प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। कर्पूरी जी को देश भारत रत्न मिलना बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है, वर्षों से इसकी डिमांड लोग करते रहे। लेकिन ये सब बातें चुनाव के 1-2 महीने पहले इसलिए की जाती हैं कि लोग अपने 5 साल की समस्याओं को भूलकर इसी में आकर बहकर फिर वही गलती करके वैसे ही वोट कर दें। आपका कहना है लोग तो फिर वही बात करेंगे। अगर लोग फिर वैसे ही करते रहेंगे तो उनकी स्थिति भी वैसी ही बनी रहेगी जैसे पहले से है। ऐसा तो है नहीं कि बिहार ने लालू जी का शासन नहीं देखा, कि नीतीश का नहीं देखा, कि मोदी का नहीं देखा। भाई 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री तो है ही, उससे बिहार में बेरोजगारी तो खत्म हुई नहीं, उससे कोई बिहार से पलायन रुका नहीं। उससे पहले जब केंद्र में यूपीए कांग्रेस की सरकार थी तब भी बिहार की दशा यही थी। हम लोग तो इस अभियान में रोज ये बात कह रहे हैं कि ये बात ही बेमानी है कि किसने बिहार का भला किया, किसकी वजह से बिहार का नुकसान हुआ। हम तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी दल और नेता बिहार में रहे हैं, उन्होंने जो काम किया या करने का दावा कर रहे हैं, उस सब बात को आप सही मान लीजिए। मान लीजिए कि 40 साल के अपने शासन काल में कांग्रेस ने यहाँ काम किया, ये भी मान लीजिए कि 15 साल लालू जी के राज में बिहार में जो गरीब वंचित पिछड़ा था उसको आवाज मिल गई, यही तो दावा कर रहे हैं। मान लीजिए इस बात को, ये भी मान लिया जाए कि भाई नीतीश कुमार भाजपा के राज में यहाँ पर सड़क बिजली में कुछ सुधार हो गया। लेकिन अगर सारे लोगों के काम को, दावे को सही मान भी लिया जाए तो भी इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, भुखमरी, बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। तो बिहार की जनता को, आपको, हमको ये सोचना है कि भाई देश आगे बढ़े, तेजी से बढ़े, धीरे बढ़े, वो तो एक कहानी है, लेकिन बिहार तो जहाँ था वही है। आपके बच्चे 20 वर्ष पहले भी जा रहे थे मजदूरी करने, 20 वर्ष पहले वो पंजाब और हरियाणा जा रहे थे, आजकल वो तमिलनाडु और तेलंगाना में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं नौकरी करने। फर्क इतना ही पड़ा है।